हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 का पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि जियोडसी है। जियोडसी का मतलब होता है भूगणित। ये दूसरा यूनिट का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़े थे हम। जियोडसी का मतलब मेनली ये होता है कि अर्थ का जो शेप और साइज होता है उसकी स्टडी करना और उसको एक मैप फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेसिकली मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल डाटा इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जियोडसी को हिंदी में भूगणित बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जियोडसी के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के जियोडसी होते हैं, भूगणित के प्रकार पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जियोडसी को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन होता है जियोडसी का उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जियोडसी मेनली एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक वर्ड जिसका मतलब होता है, जो कि जियोडसिया नाम का वर्ड है। इसका मतलब होता है पृथ्वी का विभाजन। जियोडसिया एक ऐसा वर्ड है जिससे कि पृथ्वी का विभाजन किया जा सकता है, दो भागों में, चार भागों में, इस तरीके से तरह तरह के भागों में पृथ्वी का विभाजन किया जा सकता है। और उसमें जितने भी लैंड फीचर हैं उसको स्पेसिफिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलमट नाम के एक साइंटिस्ट थे। हेलमट नाम के साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया है कि ये एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें कि अर्थ का साइज और शेप मेजर कर सकते हैं और मैप कर सकते हैं अर्थ को। टॉर्क नाम के एक और साइंटिस्ट थे। उन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और रेफरेंस फ्रेम दो वर्ड और इंक्लूड किए उनके डेफिनेशन में। हेलमट के डेफिनेशन में दो वर्ड और इंक्लूड किए। इसका मतलब जब अर्थ का मैपिंग हो या अर्थ का शेप और साइज जब भी स्टडी हो तो जिस भी पर्टिकुलर जगह का साइज या शेप मेजर करें, उस जगह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसी है, उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेप को मेजर करना है, ये कहलाता है जियोडसी। इस जियोडसी के ब्रांच में अर्थ का ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल और ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी को देखा जाता है और इन ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी के कारण अर्थ का जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है जैसे कि एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, क्रायोस्फियर, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है उस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पहले अर्थ को कंसीडर किया जाता था कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है और जो स्वर्ग है उसके ऊपर मंडराता रहता है। लेकिन बाद में कुछ जो फिलोसोफर है उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया अर्थ का शेप फ्लैट नहीं होता करके, और उन्होंने कंसीडर किया कि अर्थ का शेप एक डिस्क की तरह होता है। आगे पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट आए। पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का होता है। उनकी स्फेरिकल शेप वाली अर्थ की थ्योरी को एरिस्टोटल ने भी सपोर्ट किया। एक एरेथोसेंस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अर्थ का स्फेरिकल शेप होता है ये तो एग्री किया और अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको उन्होंने कैलकुलेट किया कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये थे कि जो एरेटोस्थेंस थे वो एक मैथमेटिशियन थे और अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कहीं से सुना कि अलेक्जेंड्रिया से साउथ की तरफ एक जगह है जिसको अभी अश्वान बोलते हैं, उस जगह पे अगर ग्रीष्म संक्रांति होती है तो 12 बजे दोपहर को जो सूर्य की किरणें हैं वो कोई भी छाया नहीं बनाती, कोई भी शेडो नहीं बनाती, ये उन्होंने सुना था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वहाँ छाया नहीं बनती तो क्या अलेक्जेंड्रिया में भी ऐसा कुछ होता है, अलेक्जेंड्रिया में भी अगर किसी भी चीज़ का अगर 12 बजे हम देखें तो उसकी छाया बनेगी कि नहीं बनेगी। तब उन्होंने किया कि अलेक्जेंड्रिया में एक पोल या फिर एक लकड़ी गड़ा दी ज़मीन पे और 12 बजे दोपहर को 21 जून को देखा उन्होंने कि क्या कोई शेडो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उन्होंने पाया कि शेडो बन रही है और वो शेडो एक उस पोल से 7 डिग्री के डिफरेंस में आता है। उसके बाद उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जिससे ये कंसिडर किया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पैरेलल रेज होती हैं जो कि अर्थ पे पड़ती हैं, वो पैरेलल रेज अर्थ के सेंटर से भी होके गुजरती हैं। अर्थ के सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें उस लकड़ी तक और एक लाइन ड्रॉ करें हम उस वेल तक जो कि अश्वान नाम की प्लेस में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के जो 7 डिग्री बन रहा है वो अलेक्जेंड्रिया में जो पोल है और अश्वान में जो वेल है उन दोनों के बीच भी 7 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब कि अलेक्जेंड्रिया और अश्वान नाम की प्लेस के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री का डिफरेंस है।
उन्होंने ये कंसिडर किया कि अर्थ स्फेरिकल शेप का है, आर्क शेप का है, और एक इंसान को उन्होंने पैदल चलते हुए रास्ता मेजर करने के लिए बोला कि अलेक्जेंड्रिया से अश्वान के बीच का डिस्टेंस कितना है। जब अश्वान अश्वान और अलेक्जेंड्रिया का डिस्टेंस पता चला कि वो 5,000 स्टैंडिया है, तो उन्होंने कैलकुलेशन करके अर्थ का सरकमफेरेंस आइडेंटिफाई किया या फिर कैलकुलेट किया, जिसके कारण उनको फादर ऑफ जियोट्सी भी बोला जाता है। इसके बाद आइजक न्यूटन आए। आइजक न्यूटन ने जो स्फेरिकल शेप का जो कॉन्सेप्ट है अर्थ का, उसको गलत बताया और बोला अर्थ स्फेरिकल शेप का भी नहीं है, अर्थ जो है वो एक एलिप्स शेप का है या फिर एक एलिप्सॉइड शेप का है, वो नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में थोड़ा दबा हुआ है और इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो ये उन्होंने बताया आइजक न्यूटन ने। उसके बाद फर्दर और बहुत सारी थ्योरीज आए। उसके बाद फिर फाइनल ये बताया गया कि अर्थ एलिप्सॉइड भी पूरी तरीके से नहीं है, वो एक इररेगुलर शेप का है जिसमें माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, सी हैं, जिसके कारण इररेगुलर शेप का है और उसको जियोइड बोलते हैं। तीन प्रकार के जियोट्सी होती हैं, पहला ज्योमेट्रिकल जियोट्सी, दूसरा फिजिकल जियोट्सी और तीसरा सैटेलाइट जियोट्सी होता है। ज्योमेट्रिकल जियोट्सी में मेनली अर्थ का जो ज्योमेट्री होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि कितने लैटिट्यूड में प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर जगह, कितने लॉन्गिट्यूड में कोई पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट है उसको कंसीडर किया जाता है ज्योमेट्रिकल जियोट्सी में। फिजिकल जियोट्सी में मेनली एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हाइट जो होती है कोई पर्टिकुलर प्लेस की वो इम्पॉर्टेंट होती है, और उस हाइट को कंसिडर करने के लिए अर्थ का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको इम्पॉर्टेंट तरीके से मेजर किया जाता है। अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को फिजिकल जियोट्सी में मेजर किया जाता है। उसके बाद आती है सैटेलाइट जियोट्सी। सैटेलाइट जियोट्सी में मेनली सैटेलाइट की हेल्प से जितने भी जियोडेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है उनको कलेक्ट किया जाता है, ये मेनली सैटेलाइट जियोट्सी में होता है। तीन प्रकार की जियोट्सी, ज्योमेट्रिकल जियोट्सी में मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मेन एम्फेसिस किया जाता है। फिजिकल जियोट्सी में अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल प्रोसेसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। और सैटेलाइट जियोडेसी में सैटेलाइट की हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जियोडेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है जियोइड, दूसरा रेफरेंस इलेप्सॉइड, तीसरा रेफरेंस फ्रेम, डॉटम और जियोडेटिक डाटा। मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो शेप होता है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता है, वो कुछ इस टाइप का शेप होता है। तो जो इररेगुलर शेप अर्थ का होता है जो कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जो कि बेस्ट फिट करे अर्थ के शेप को, वो शेप होता है जियोइड। ये जो जियोइड होता है इसमें एलिवेशंस माउंटेन के कारण, जो डिप्रेशन है वो सी के कारण रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन सी का जो एकदम बॉटम है उसको नहीं मेजर किया जाता। इसमें जो सी का जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो मीन सी लेवल से मेजर किया जाता है। मीन सी लेवल वो सी लेवल होता है जहाँ पे वाटर करंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उस लेवल से मेजर किया जाता है अर्थ का जो सी लेवल का जो बॉटम होता है उसको। ये इररेगुलर शेप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल अगर हमको कंप्यूटेशन करना पड़े, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड असाइन करना पड़े किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तो बहुत मुश्किल होता है। जिसके कारण क्या किया गया कि जो अर्थ का ये एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इसलिए बोलते हैं नॉर्थ से साउथ के बीच में क्योंकि यहाँ पे रेडियाई जो रहता है वो छोटा होता है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। अगर अर्थ के माइनर एक्सिस से एक एलिप्स ड्रॉ किया जाए जो कि जियोइड का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उसको बोलते हैं एलिप्सॉइड, रेफरेंस एलिप्सॉइड, जो कि जियोइड का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है। इस रेफरेंस एलिप्सॉइड में अगर लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला डाटा रिप्रेजेंट कर दें और सेंटर ऑफ अर्थ से लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डाटा के साथ एक रेफरेंस एलिप्सॉइड और इसके ऊपर हम लोग बनाएं, वो कहलाता है डाटम। जो भी जियोडसी में डाटा आता है वो कहलाता है आपका जियोडेटिक डाटा। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको मैंने बताया। अब जियोडेटिक मेजरमेंट्स कैसे करते हैं? जियोडेटिक मेजरमेंट्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिनसे हम लोग जियोडेटिक डाटा का मेजरमेंट कर सकते हैं। मेनली ये सर्वे पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये मैथमेटिकल डाटा इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है।
और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में ये सर्वे पर्पस के लिए मेनली काम आता है। जो लैंड लेवल का इन्फॉर्मेशन है, जो टोपोग्राफिकल डाटा रहता है, उसके लिए एंगल्स मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इस तरीके से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया का डिस्टेंस और एंगल पता कर लें, तो जो अननोन एरिया है उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ट्रायंगुलेशन टेक्निक की हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं। जीपीएस की हेल्प से जो एल्टीट्यूड है वो पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। ग्रेविटी फील्ड का मेनली ग्रेविमेट्री या फिर रेफरेंस फ्रेम बना के ग्रेविटी फील्ड का इफेक्ट देख सकते हैं। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि ड्यूरेटिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने में यूज़फुल होते हैं, जैसे जीपीएस, अल्टीमेट्री, VLBI। ये VLBI क्या होता है? ये होता है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बेस लाइन इन्फल्ट्रोमेट्री। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। डॉरिस, डॉरिस क्या होता है? डॉपलर, ऑर्बिटोग्राफी एंड रेडियो पोजिशनिंग इंटीग्रेटेड बाय सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कि हम अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होता है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, डॉरिस में। इसमें जो इन्फ्रेंस का फिनोमिनन होता है वो आपका VLBI में मेन इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके के कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, कुछ प्रिंसिपल है जिन पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं। अर्थ का जो शेप होता है वो ऑब्लेट एलिप्सॉइड होता है, मतलब कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा कंप्रेस होता है और यहाँ पे बल्जिंग होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये जियोइड है जो कि अर्थ को मेनली रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था जियोइड जो है मेनली अर्थ का मैथमेटिकल सरफेस का या फिजिकल सरफेस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, लैंड और सी एरिया दोनों में। बहुत इररेगुलर होता है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए इस जगह पे एलिप्सॉइड बनाते हैं। इमेजिन अगर करें, ये अर्थ का सरफेस है, इसमें सी लेवल है, यहाँ पे जो ब्राउनिश दिख रहा है जो सी लेवल है, अंड्यूलेटिंग सरफेस है, जहाँ पे माउंटेन है वो रेस्ड सरफेस है। इसका अगर हम लोग जियोइड बनाते हैं, जियोइड एक कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया जो कि लिया जाता है मीन सी लेवल और जो एलिवेशन है उनके बीच का एक सरफेस बनाया जाता है जो कि जियोइड कहलाता है। ये जियोइड जो रहता है वो भी जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो जियोइड है। ये भी इररेगुलर होता है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस जियोइड के ऊपर ही या फिर इस जियोइड को के शेप को ही जो बेस्ट रिप्रेजेंट करे वैसा एक सिमेट्रिकल शेप बनाया जाता है जो कि कहलाता है एलिप्सॉइड। और एलिप्सॉइड के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजिशन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एलिप्सॉइड और जियोइड इन दोनों डिस्टेंस जो रहता है वो दोनों सेम नहीं रहता है, इन दोनों डिस्टेंस जो रहता है वो डिफरेंस रहता है। इन दोनों डिस्टेंस के डिफरेंस को ऑर्थोमेट्रिक हाइट बोलते हैं जो कि वेरिएबल रहता है। अगर जीपीएस से हम देखें तो दोनों की हाइट वेरिएबल रहती है। जीपीएस से अगर जियोइड एलिप्सॉइड की डिस्टेंस देखें वो अलग रहेगी और एलिप्सॉइड की डिस्टेंस देखें वो भी अलग रहती है। उन दोनों के डिफरेंस करके हम जो वेरिएशन रहता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉटम मैंने आपको बताया था कि डॉटम एक रेफरेंस एलिप्सॉइड होता है या फिर एक ऐसा एलिप्सॉइड होता है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिप्सॉइड को। एलिप्सॉइड का एग्जैक्ट एलिप्सॉइड तो मेनली शेप और साइज बताता है किसी पर्टिकुलर अर्थ का। अब उस शेप और साइज में कोऑर्डिनेट सिस्टम मिसिंग है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन वो मिसिंग है। वो जो डाटा मेन रहता है वो डाटम की हेल्प से आता है। डाटम के कारण उसका जो डिमार्केशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी हो जाता है। ये मेन काम है डाटम का। दो प्रकार के डाटम होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डाटम होता है, एक वर्टिकल डाटम होता है। हॉरिजॉन्टल डाटम जो होता है वो मेनली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। वर्टिकल डॉटम जो होता है वो एलिवेशन को डिफाइन करता है, चाहे वो माउंटेन के कारण हो चाहे वो सी के कारण हो, वो एलिवेशन को डिफाइन करता है। डॉटम की जब प्रिपरेशन की जाती है तो तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और 8 पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। वो तीन चीज़ है, पहला साइज, एलिप्सॉइड का साइज कितना है, ओरिजिन कहाँ से लिया गया, कौन सा उसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ जिसको पॉइंट सेंटर ऑफ सेंटर कंसिडर करके हमने एलिप्सॉइड ड्रॉ किया है, और ओरिएंटेशन कैसा है, अल्फा बीटा और गामा जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो एंगल बनाता है वो कैसा है, वो तीन चीज़ें कंसिडर की जाती है। साइज में ए और बी ऐसा कंसिडर किया जाता है, ए और बी में ए जो रहता है वो माइनर एक्सिस रहता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल का डिस्टेंस, बी मतलब कि मेजर एक्सिस रहेगा।
जो ओरिजिन ऑफ एलिप्सॉइड में एक्स वाई जेड लेते हैं, मतलब कि लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये तीन पोजीशन किया जाता है अगर हम लोग ओरिजिन ऑफ एलिप्सॉइड देखे तो। उसके बाद फिर जो थर्ड है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ एलिप्सॉइड है, वो देखते हैं लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में कितना एंगल बना रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से कितना एंगल बन रहा है, अल्फा बीटा गामा, वो कंसिडर किया जाता है ओरिएंटेशन ऑफ एलिप्सॉइड में। 8 पैरामीटर मेनली डॉटम के प्रिपरेशन के टाइम यूजफुल होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट बहुत बार बोला गया ये वर्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब कि एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जो कि पोजीशन को डिफाइन करे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में। एक ऐसा नंबर जो लेटिट्यूड मतलब कि आपका वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन को डिफाइन करे, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एल्टीट्यूड वर्टिकल पोजीशन को डिफाइन करे, वो जो सारे नंबर होते हैं वही कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एटलस की बात करें या फिर मैप की बात करें, अर्थ तो एलिप्स शेप का रहता है, उस एलिप्स शेप में कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे ओशियन है, कहीं पे लैंड पैटर्न है। उस एलिप्स शेप को अगर हमको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल फिगर में हमको कन्वर्ट करना रहता है, उसको बोलते हैं मैप प्रोजेक्शन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको किसी पर्टिकुलर शेप में प्रोजेक्ट करना रहता है, मतलब हमको इमेजिन करना होगा कि अर्थ जो रहेगा वो सिलेंड्रिकल शेप का है, अर्थ जो है वो कोन शेप का है, अर्थ जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर इस टाइप का हम इमेजिन करें तो जो भी 3 डायमेंशनल फिगर है उसको प्रॉपरली ले कर सकते हैं 2 डायमेंशनल इमेज में, तो ये कहलाता है मैप प्रोजेक्शन। मेन जो पर्पस होता है मैप प्रोजेक्शन का वो ये होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उस 3 डायमेंशनल फिगर में, वो सारा का सारा मैप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या एटलस फॉर्म में आ जाए। दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और दूसरा होता है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें जो स्फेरिकल सरफेस है, जो 3D मॉडल है, उसी की हेल्प से ही या फिर उसी के थ्रू ही हम लोग वेल डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये डिफाइन करते हैं। जो भी सेंटर ऑफ अर्थ से एंगल बनाता है उसके हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं परफेक्ट पोजीशन। जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें मेनली 2 डायमेंशनल डाटा लेते हैं। इस प्रोजेक्शनल सिस्टम में जो भी लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, दो एरिया के बीच में जो एरिया होगा, जो 2 डायमेंशन के बीच में जो एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा, एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा। इस सिस्टम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे जज किया जाता है और ग्रिड फॉर्म बनाया जाता है, मतलब हर को कॉलम में डिवाइड कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया को, और उस अकॉर्डिंग एक मैप का फॉर्मेशन होता है। मैं बार बार लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन इस टाइप के वर्ड्स बोल रही हूँ, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारा चीज़ होता क्या है। जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड को मेनली बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर होके गुजरती हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड जो कि देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होके गुजरती हैं और ये मेनली 360 लाइंस अर्थ के सरफेस में बनी हुई हैं। जो लैटिट्यूड लाइन है वो मेनली 81 अर्थ के सरफेस पे बनी हुई है, और प्राइम मेरिडियन वो वर्टिकल लाइन है या वो लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होके गुजर रहा है, जब लॉन्गिट्यूड जो रहे वो 0 डिग्री रहे। मतलब प्राइम मेरिडियन एक ऐसा लाइन है जिसमें लॉन्गिट्यूड का जो पोजीशन होता है वो 0 डिग्री होता है। प्राइम मेरिडियन को प्रधान यमनोत्तर रेखाएं भी बोलते हैं। ये तीन है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर रेखाएं जाती हैं उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, सॉरी नॉर्थ से साउथ की ओर अगर लाइन होके गुजरती है तो उसको मेरिडियन बोलते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर लाइन होके गुजरती है तो उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। मेनली जो प्राइम मेरिडियन रहे या फिर प्राइम मेरिडियन जो रहता है वो ग्रीनविच नाम की एक जगह है, वहाँ पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है उसको 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है। कुछ प्रिंसिपल है जियोडसी में। जियोडसी में मेनली डॉटम की हेल्प से डॉटम को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके किसी पर्टिकुलर एरिया का पोजीशन आइडेंटिफाई किया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में। ऑब्जर्वेशन लिया जाता है जिस जगह का हमको नोन है उस जगह का, और जिस जगह का अननोन है वहाँ पे का, दोनों नोन लिखाया है, एक अननोन है यहाँ पे।
उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो रेफरेंस डॉटम है, रेफरेंस डॉटम से कंपेयर किया जाता है। अब ये रेफरेंस डॉटम क्या होता है, उसके रेफरेंस डॉटम जानने से पहले ये हम पता कर लेते हैं कि जो स्पेशल पोजीशन होता है उसको दो तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो जियोग्राफिक आइडेंटिफायर के थ्रू से और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक मैथमेटिकल पार्ट होता है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, दूसरा डॉटम होता है। डॉटम मेनली ओरिएंटेशन, ओरिजिन और साइज पे डिपेंड करता है अर्थ के। डॉटम और कोऑर्डिनेट सिस्टम मेनली दोनों मिलके कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम बनाते हैं। ये रेफरेंस जो डॉटम होता है ये एक पूरा एरिया के लिए कांस्टेंट होता है, ये पूरे अर्थ के लिए कांस्टेंट होता है। इसकी हेल्प से हम लोग अर्थ का कोई भी अननोन जगह, अननोन पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनली तीन टाइप के जो बहुत कॉमन रेफरेंस डॉटम है वो अवेलेबल हैं, वो नॉर्थ अमेरिकन डॉटम 27, नॉर्थ अमेरिकन डॉटम 83 और WGS 84, वर्थ जियोडेटिक सिस्टम 1984। ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट हैं। ये कैसे बना, इसमें मेनली जो सेंटर ऑफ अर्थ है उसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, वहाँ से हम एक एलिप्सॉइड ड्रॉ करेंगे पूरे अर्थ में और वो एलिप्सॉइड का फिर डाटा मेजर करेंगे। सेंटर ऑफ अर्थ मेनली उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, प्राइम मेरिडियन वाले पॉइंट को कंसिडर करेंगे या फिर ग्रीनविच के पास वाले एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं, वहाँ से एक एलिप्सॉइड ड्रॉ करते हैं। उस एलिप्सॉइड को ड्रॉ करने के बाद फिर अलग अलग एरिया से बहुत सारे डॉटम बनाएंगे, 7000 8000 बहुत ज़्यादा डॉटम बनाएंगे, और वो सारे डॉटम जो रहेंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वेल डिफाइन करेगा। इस तरीके से ढेर सारे डॉटम की हेल्प से एक रेफरेंस डॉटम बन जाएगा। रेफरेंस डॉटम ऐसा होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर हम लोग किसी दूसरे एक कंट्री या फिर कोई और कंट्री का अगर हम लोगों को पर्टिकुलर पोजीशन आइडेंटिफाई करना है तो हर कंट्री का एक कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। उस कन्वर्जन फैक्टर से अगर हम लोग रेफरेंस डॉटम का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उस पोजीशन का, उस कंट्री का मिल जाता है। जो WGS 84 है उसको दो बार मॉडिफाई किया गया है, 2008 में रिसेंटली मॉडिफाई किया गया था। जितने भी GPS सिस्टम है आपके मोबाइल में, जितने भी GPS ट्रैकर है, उन सब में WGS 84 वाला सिस्टम ही इनकॉर्पोरेटेड है। सबसे पहले इंडिया का खुद का एक रेफरेंस डॉटम था, वो जो इंडिया का रेफरेंस डॉटम था वो था एवरेस्ट 1830। एवरेस्ट 1830 जो नाम, उसके अकॉर्डिंग ही ढेर सारे मैप बने हुए हैं। ये जो एवरेस्ट 1830 नाम का जो रेफरेंस डॉटम था इंडिया का, इंडिया में मेनली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर सेंटर मास, मतलब मास ऑफ अर्थ जो है वो कल्याणपुर नाम की जगह में लिया गया था। कल्याणपुर जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और वहाँ से एक एलिप्सॉइड ड्रॉ किया गया था। ये जो एलिप्सॉइड जब ड्रॉ किया गया था वो 1830 में ड्रॉ किया गया था, इसलिए इस डॉटम के लास्ट में 1830 लिया गया है। और जिस सर्वेयर ने इसको आइडेंटिफाई किया गया था उसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, इस कारण इस डॉटम का नाम एवरेस्ट 1830 लिया गया है। इंडिया का जो रेफरेंस डॉटम है एवरेस्ट 1830, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हेल्पफुल होता है, ये बहुत सारी कंट्री भी इसको एज अ रेफरेंस डॉटम यूज़ करती हैं। बहुत सारी कंट्री के लिए रेफरेंस डॉटम है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब कंट्री के लिए भी ये रेफरेंस डॉटम की तरह काम करता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है जीओटीसी के, मैपिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताने के लिए, अर्बन मैनेजमेंट में किस जगह पे बिल्डिंग होगी, किस जगह पे आपका पुल होगा, कहाँ पे वेजिटेशन लगाना है वो आइडेंटिफाई करने में, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग कितने साल तक ठीक रहेगा, कितनी उसकी लाइफ रहेगी, बियरिंग कैपेसिटी कितने दिन तक रहेगी, ये सब आइडेंटिफाई करने में, बाउंड्री डिमार्केशन में मीन्स ऑयल स्पिल, अगर किसी सी में ऑयल का अगर कोई भी टैंक है वो फट गया है तो कितने दूर तक वो फैलेगा, कितने दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा अर्थ के सरफेस पे और क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज़। नेविगेशन रूट आइडेंटिफाई करने के लिए, नेविगेशन रूट आइडेंटिफाई करने के लिए इन द सेंस अगर सी में गए तो पर्टिकुलर एरिया कैसे पहुँचे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आइडेंटिफाई करने के लिए, एयरवेज में अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आइडेंटिफाई करने में जीओसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इकोलॉजी में अर्थ में अगर हमने कुछ चीज़ डंप किया या फिर अर्थ से कुछ चीज़ हमने बाहर निकाला तो क्या वेरिएशन होता है, उसका भी इफेक्ट देखने के लिए जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ
में अगर हम कोई चीज़ इंक्लूड करते हैं तब उसका शेप वेरिएशन होता है। अगर अर्थ से कुछ चीज़ बाहर निकलती है तब उसका शेप वेरिएशन होता है। अर्थ में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसका शेप वेरिएशन होता है। पानी अगर बहुत कम हो जाता है तब उसका शेप वेरिएशन होता है। कहीं पे ट्री है तब अर्थ का शेप वेरिएशन होगा, ट्री नहीं है तब उसका शेप वेरिएशन होगा। तो पीरियोडिकली अर्थ का शेप वेरी होता रहता है, और उस पीरियोडिकली जो भी शेप वेरिएशन है उसके कारण अर्थ में जो भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वही मेन जियोडसी है, और उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी होता है। आज की टॉपिक के लिए बस इतना ही। आपको जो भी डाउट्स हो आप वेबिनार क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।